पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भक्ति परिवार महिला संकीर्तन मंडल लाजपत नगर मुरादाबाद द्वारा विगत वर्षों की भांति निरंतर चले आ रहे शारदीय नवरात्रि पर्व के छठे दिन माता रानी कात्यायनी की पूजा अर्चना विधि विधान के साथ की गई। भक्ति परिवार का संचालन करती अनीता श्रीवास्तव द्वारा आज भी किया गया, तो वहीं आज के मुख्य यजमान अनुपम जी द्वारा माता रानी की ज्योत जलाकर तिलक करके गणेश जी की स्तुति से प्रारंभ किया गया। शुक्रवार के दिन होने के कारण माता रानी को रानी रंग के वस्त्र और गुलाब के फूलों से दरबार को सजाया गया और मां का सुंदर रूप भक्तों के मन को खूब भाया। भक्त राज मदान द्वारा आज केसर पिस्ता का दूध का भोग लगाकर सभी भक्तों को वितरण किया गया। शारदीय नवरात्रों में डांडिया का सबसे बड़ा महत्व होने के कारण माता रानी के दरबार में जमकर डांडिया किया गया। पहले तो मैं बता दूं, मैं भक्ति परिवार महिला संकीर्तन मंडल लाजपत नगर की अनीता श्रीवास्तव सचिव हूँ। ये कार्यक्रम में महिलाओं के द्वारा ही यहाँ होता है। 9 दिन कीर्तन चलते हैं। प्रतिपदा से अष्टमी तक का कीर्तन एक ही स्थान पे माँ भगवती की स्थापना कर दी जाती है। दूर दूर से भक्त यहाँ आते हैं और एक एक दिन यजमान बन के वो सेवा करते हैं भगवती की। उनके द्वारा प्रसाद वितरण, माँ भगवती का श्रृंगार और जो भी उनकी सेवा होती है वो करते हैं। कभी कभी भक्त अलग अलग और आतुर होते हैं कि मुझे और भी सेवा करने का अवसर दिया जाए, तो मैं उन्हें और भी तरीके का अवसर देती हूँ। जैसे माँ भगवती की प्रिय चीज़ें होती हैं कि उन्हें कभी दूध का भोग लगा दिया, कभी स्पेशल नारियल का भोग लगवा दिया, कभी रबड़ी चढ़वा दी, तो वो एक उत्सव की तरह हम लोग मना लेते हैं। प्रयास यही रहता है कि माँ भगवती को भक्तों के द्वारा हम लोग प्रसन्न करें और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करें। लगातार भक्तों की जो तादाद है वो लगातार आपके कार्यक्रम में, भक्तों की समझ नहीं सकती हूँ मैं कि आज मैं जहाँ बैठी हूँ ये बहुत छोटी सी जगह है, यहाँ पर 60-70 मेंबर बैठते हैं। आपसे मैं ये अनुरोध करूँगी कि एरिया एक बार दिखाइए उनको। ये भगवती की ही कृपा है कि जो यहाँ पर प्रतिपदा से अष्टमी तक भक्त लाइन से आते हैं और कहीं किसी तरह की कोई हमें असुविधा नहीं होती उनसे, और वो यहाँ से प्रसन्न होके जाते हैं, खूब नृत्य करते हैं, खूब डांडिया करते हैं, भोग भी लगाते हैं, लाइन से आरती भी करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवती यहाँ स्वयं ही विराजमान है जो इतने सारे भक्तों को यहाँ समेट के बैठी रहती हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।